जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल आप दोस्तों के? उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त कहते होंगे। दोस्तों मैं हूँ मोहम्मद शबीर और आप देख रहे हैं सैटेलाइट इन्फो। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं 50 ईस्ट। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं 50 ईस्ट जो मैंने सड़क पर रख के इसको बिल्कुल सेट किया है। आप दोस्तों के सामने कम्प्लीट आप दोस्तों को दिखा रहा हूँ मैं इस वीडियो में। आपको चैनल भी चेक करूँगा कितने चैनल रिसीव हुए हैं। और 50 जो है 50 ईस्ट आप 2 फीट के ऊपर भी सेट कर सकते हैं बड़े आसानी के साथ। मैंने आज इसको 4 फुट डिशेंट इना के ऊपर पार्क्स 4 फुट डिशेंट इना के ऊपर जो है फीड हॉर्न लगा कर मैंने इसको लगाया है। और जनाब बिल्कुल ये मेरी 50 लगी हुई है और बिल्कुल यहाँ पे सिर्फ 2 इंच के फासले के ऊपर यह सेट बोंजा पड़ी है। इसको सेट करना बहुत ईजी है और आप दोस्तों को चेक करवाते हैं। जो मैंने पकड़ी है वो 1 TP आई है। तो चले दोस्तों स्क्रीन पर चलते हैं, आप दोस्तों को मैं चेक करवाता हूँ। जी दोस्तों स्क्रीन पर हम आ गए हैं, तो आप दोस्तों को चेक करवाता हूँ मैं मुकम्मल की सचिंग करके। ये छोटी सी वीडियो आज की जनाब, यहाँ पे हम सेटेलाइट लगा लेते हैं जनाब, कोई भी लगा लेते हैं यहाँ पे। पहले मैं सबसे पहले जो अपना पहला रिसीवर है उसको कर लेता हूँ ऑल डिलीट, ताकि ये भी ना रहे गलतफहमी के, शायद वो पुराने चैनल है इसको मैंने डिलीट कर दिया आपके सामने। तो जनाब देखे यहाँ पर प्रोग्राम नाट जो है वो नहीं है इसमें कुछ भी। अभी जनाब मैं आपके सामने इसको ट्यून करता हूँ और यहाँ पे जनाब सेटेलाइट जो है मैं यहाँ पे जनाब बदर लगा लेता हूँ। कोई बात नहीं, मैंने नाम ही इसको देना है, बदर दे दिया नाम। उसके बाद जनाब मैंने यहाँ पे आके इसको ब्रांड सर्च करना है। तो जनाब अभी देखते हैं जी कितने चैनल रिसीव होते हैं। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल सैटेलाइट इन्फो को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आप दोस्तों को मिलता रहे। दोस्तों ये 50 ईस्ट जो है इसके ऊपर मैंने KU बैंड LNB लगाकर फीड हॉर्न लगाकर उसको 4 फुट के ऊपर सेट किया है। और मैंने सोचा आप दोस्तों का शेयर भी कर दें ताकि कोई दोस्त जो है अगर लगाना चाहे तो वो लगा सकता है बड़े इजी बड़े ही आसानी के साथ इसको लगा सकता है। और जनाब अभी तक जो है यहाँ पे देखें मेरा तकरीबन 60% ये हो चुका है और अभी कोई चैनल नहीं आया क्योंकि 1 TP इस पर सिर्फ 1 TP आती है। तो अभी देख लेते हैं जनाब ये 11 ये 1 TP आया, 11 वाली मैं चेक करता हूँ दोस्तों को। 1 TP आई है, 1 TP के ऊपर एक ही चैनल ऐड हुआ है। यहाँ पे देखें जी ये तुर्क सेट के नाम से जो है अजीब सा नाम आया है, तो जनाब इसको मैं चला के भी दिखाऊंगा आप दोस्तों को। तो एक ही चैनल आया है क्योंकि डबल चैनल ट्यून हो गया है इस TP के ऊपर ना, एक के ऊपर 2 चैनल ट्यून होते हैं, वही दोनों चैनल एक दो चैनल ट्यून हो गए लेकिन चैनल जो है वो सेम ही है, दोनों चैनल सेम ही चलते हैं। देखें इसमें फर्क कोई नहीं है और सिग्नल भी ठीक आ रहा है और बिल्कुल देखें इसकी जो TP है वो आप दोस्त नोट कर लें। TP आप दोस्तों को चेक करवा दूं, इसकी जो TP है जनाब दोस्तों इसकी TP यहां पे आपको नजर आ रही है 11686 वर्टिकल बाई 19 ये TP है। और दोस्तों ये थी छोटी सी आज की वीडियो 50 ईस्ट की। दोस्तों अगर मजीद इस तरह की नई से नई अपडेट आप चाहते हैं, नई से नई अपडेट देखना चाहते हैं सैटेलाइट के हवाले से, कोई भी सैटेलाइट आप नहीं लगाना चाहते हैं अपने पास, तो आपको इस तरह की वीडियो देखनी होगी। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सैटेलाइट इन्फो को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन जो है वो आप दोस्तों को मिलता रहे। दोस्तों यहाँ पे देखें ये कुछ दिखा रहे हैं अपने चैनल के हवाले से और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये चैनल और भी ज्यादा इसमें ऐड करेंगे। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं दोस्त तकरीबन ये जो है एंटीना 2.5 फुट का तकरीबन बता रहे हैं ये जो इनकी इन्फॉर्मेशन चल रही है यहाँ पे। और इसके अंदर मुकम्मल बकायदा दिखा रहे हैं इसकी जो प्रोसीजर, इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि काम हो रहा है इसके ऊपर और भी ये नए आने वाले दिनों में नए जो चैनल है वो ऐड करेंगे अपने। तो दोस्तों मिलते हैं नए अपडेट के साथ, अपना ख्याल रखें। ओके अल्लाह हाफिज़।